हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा वीडियो है कि हमें एक C++ प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यह पता करना है कि दो नंबर में बड़ा नंबर कौन है या फिर दो से ज़्यादा नंबर में बड़ा नंबर कौन है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आप सेमेस्टर के एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो आपसे सेमेस्टर में बहुत बार पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप बिगनर हैं तो उनको समझ में नहीं आ पाता है कि उनको तो ये तो पता चल पाता है कि हाँ, दो नंबर अगर दिया है तो कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे यहाँ 10 दिया है और 20 दिया है तो उनको पता है कि जो 20 है बड़ा नंबर है। लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कैसे लिखना है, इसके लिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको काफ़ी बेसिक्स यहाँ चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ऐसे आपको पता करना रहता है कि ए और बी में बड़ा कौन है। तो आप क्या करते हैं, आप प्रोग्रामिंग को भी भूल जाइए। अगर आपको लिखा है यहाँ ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20, तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप कंपेयर करते हैं। आप अपने माइंड में कंपेयर कर रहे हैं, आपको पता है कि जो 20 है 10 से बड़ा है। आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर करें जो 20 है 10 से बड़ा है, मींस जो 20 है क्या है, मैक्सिमम नंबर है। जो 20 क्या है, मैक्सिमम नंबर। आप कंपेयर कर रहे हैं, तो सेम टू सेम यही चीज़ को आपको प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। सेम टू सेम जो यही चीज़ है, इसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू लिख देना है। जैसे यहाँ ए इक्वल टू 10 लिखा है और बी इक्वल टू कितना लिखा है, 20। तो आपको कंपेयर करना है क्या ए जो है 20 से बड़ा है। जो ए है, ए मतलब 10, 20 से बड़ा है, आपको कंपेयर करना है। तो जैसे आप कंपेयर कीजिएगा तो आपके यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा, नहीं, जो 10 है 20 से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। मतलब बड़ा कौन है, जब 10 दो नंबर है, एक 10 है एक 20 है, 10 20 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 20 10 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 20 10 से बड़ा है। तो यही लॉजिक को आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अभी आपको प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ और रन करके दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, तो मैं चलूँगा अपने देव C++ कंपाइलर में और आपको कोड यहाँ लिख कर दिखाऊंगा। तो मैंने इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मैंने लिख लिया है, हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और इंट मेन। अभी हमें प्रोग्राम बनाना है मिनिमम और मैक्सिमम का, नहीं सिर्फ मैक्सिमम का, कि दो नंबर बड़ा कौन है। तो मैं दो नंबर यूजर से इनपुट लूंगा, इंट ए और बी, और मैं इसको यूजर से इनपुट लेने के लिए सी इन फंक्शन का यूज करूंगा, सी इन ए बी। और मैं यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ इफ कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर जो ए है बी से ग्रेटर है तो प्रिंट करो क्या, सी आउट ए इज ग्रेटर। अगर जो ए है, मींस मानो यहाँ बी से, एक जगह पर बी से, 20 बड़ा है 10 से, इसका मतलब क्या है कि 20 बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा है। ए ग्रेटर लिखो और क्या लिखना है, एंडल, एंडल मीन्स नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, अगर ए बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एल्स पार्ट में क्या लिखना है, बी बड़ा है। जैसे दो नंबर है, अगर एक नंबर बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दूसरा नंबर बड़ा है। ध्यान से समझना है, दो नंबर आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ा कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर जो आपको फर्स्ट नंबर है वो बड़ा नहीं है, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा बड़ा है। तो यहाँ कंडीशन हमने चेक किया है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, ए है बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसको प्रिंट कर दो कि ए बड़ा है, अगर बड़ा नहीं है मतलब क्या, तो एल्स पार्ट में जाओ और देखो, लिखो सी आउट बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ जाओ और लिखो क्या, एंड एल, इधर जाओ और क्या लिखना है, एंड एल। इसको सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस दबा के मैं सेव करूंगा और कंपाइल रन में क्लिक करूंगा। मैं इस पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा हमसे नंबर मांगेगा, दो नंबर, तो मैं एक नंबर दूंगा 10, जैसे ए में 10 आ गया, बी में आ गया हमारा 20। और जैसे मैं इंटर हिट करूंगा तो क्या लिखा है, बी इज ग्रेटर, बी यहाँ क्या है 20 है, बी क्या है 20 है, तो 20 इज ग्रेटर, हमारा प्रोग्राम बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो एक और चीज़ मैं देखूंगा, यहाँ देखते रहो, जैसे मैं अब ए को बढ़ा देता हूँ, जैसे 100 दे दिया ए को, बी को मैंने 10 दे दिया 10, अब इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर ए बड़ा है, तो मैं करूँगा एंटर प्रेस और यहाँ लिखा ए इज ग्रेटर, ए क्या है बड़ा है, ए क्या है बड़ा। तो आपको पता चल गया कि दो नंबर में बड़ा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको तीन नंबर में निकालना है तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना है जी, आपको तीन नंबर पर सबसे पहले इनपुट लेना है, तो यहाँ लिखेंगे सी और यहाँ तीन नंबर इनपुट ले लेंगे सी। देखो अब मैं चेक करूँगा ए ग्रेटर देन बी और लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ए ग्रेटर देन सी, ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए ग्रेटर है, एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, बी जो है ए से बड़ा है एंड बी जो है सी से बड़ा है,
बी ए से ही बड़ा है, बी सी से बड़ा है, मतलब क्या है बी ग्रेटर देन, पर ऐसा भी नहीं है तो क्या लिखना है एल्स में, यहाँ ए बड़ा हो गया, यहाँ बी बड़ा हो गया, यहाँ क्या होगा, यहाँ सी बड़ा होगा, यहाँ क्या होगा सी आउट, सी इज ग्रेटर, काफ़ी आसान है। कंट्रोल प्लस एस करूँगा, थोड़ा सा इसको कर दूंगा छोटा, आप इसे देख सकते हो 3 नंबर मुझे इनपुट लेना है, मैं इसको रन करूँगा और मुझे क्या करना है 3 नंबर लेना है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 10, मैंने यहाँ ले लिया 20, मैंने यहाँ ले लिया 30, कौन बड़ा है सी इज ग्रेटर, सी कौन है 30 है, सी कौन है 30, 30 इज ग्रेटर। तो ऐसे आपको प्रोग्राम लिखना है, मल्टीपल टेस्ट केसेस आप रन कर सकते हैं, मैंने काफ़ी आसानी से आपको बता दिया है, आप इसको कॉपी कर लो। और अगर आपको सी प्लस प्लस एकदम बेसिक से लेकर पढ़ना है प्रोग्राम के थ्रू और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप देव सी प्लस प्लस का मेरा कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सी प्लस प्लस का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको मजा जाएगा। आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है तो आप काफ़ी आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको मजा जाएगा। और जितना मैंने पढ़ा है सबका नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep supporting and keep exploring.